हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाली है। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि दी गर्मियों से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें बताइए और जिससे हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो सके, जिससे हम स्टाइलिश भी दिखें और साथ ही साथ जो गर्मी भी है वो भी थोड़ा सा कम लगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत दो तीन चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ जो आपके बहुत सारे काम आने वाली हैं। साथ ही साथ कुछ मैं ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। सबसे पहला जो मेरा टिप है वो ये है कि गर्मियों में हम जब कहीं भी बाहर जाते हैं तो फेस पे चाहे कितना भी अच्छे से आप मेकअप लगा के जाओ, क्या होता है हमारे फेस पे जब स्वेटिंग होती है तो कहीं ना कहीं जो मेकअप है हमारा इधर उधर से पोंछ जाता है, मतलब उस हाथ लगता है तो कहीं लिपस्टिक तो कहीं आईलाइनर ये वो। तो सबसे पहली जो चीज़ है मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जितना कम से कम हो सके आप मेकअप यूज़ कीजिए। लिपस्टिक के जो शेड्स हैं वो आप लाइट कलर के चूज़ करें, और वैसे भी अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट कलर के लिपस्टिक लोग पसंद भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि लिपस्टिक जो है वो ऑयली नहीं होनी चाहिए, ऑयल बेस पे नहीं होना चाहिए, मैट होनी चाहिए, वाटर प्रूफ होगी तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपका जो आईलाइनर और मस्कारा है वो भी वाटर प्रूफ होना चाहिए। और अब गर्मी में मैं प्रेफर करती हूँ कि आईलाइनर का यूज़ मैं बहुत रेयर ही करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो हल्का सा वाटर प्रूफ मस्कारा लगा के आप अपने आई जो आपकी लैशेज हैं उनको कर्ल कर लीजिए तो आपकी आंखों का लुक बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही साथ आप जब जैसे कोई क्रीम या फिर कुछ लगाते हैं तो आप बीवी क्रीम लगा सकते हैं, या फिर अगर आप अच्छा मेकअप करके जाना चाहते हैं तो मैं एक टिप आपको देना चाहती हूँ कि आप अपने फेस पे आइस क्यूब्स लगा लें। जैसे कहीं भी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उससे कुछ टाइम पहले आप फेस पे अपने अच्छे से आइस से अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर लें। इससे क्या होगा कि आपके फेस पे उतना ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होगी, कुछ देर तक तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और पर्सनली ये जो टिप्स है ये मैं अपने ऊपर कई सालों से अप्लाई करती हूँ। गर्मियों में कहीं भी जाने से पहले कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले मैं अपने फेस पे अच्छे से आइस ज़रूर लगाती हूँ। इनफैक्ट गर्मियों में आइस फेशियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मेरे चैनल पर आइस फेशियल से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट ये है कि अगर आप गर्मियों में आपकी जो स्किन है वो ड्राई होने लगती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि गर्मियों में आप पानी जितना हो सके पिए, अच्छे से पिए, और हो सके तो दिन में एक या दो बार नींबू पानी या फिर जो है ग्लूकोज वगैरह भी आप अच्छे से ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कपड़ों के ऊपर। अगर आप कपड़े पहनते हैं तो गर्मियों में आप जितना हो सके लाइट कलर के कपड़े चूज़ करें, बहुत ही लाइट शेड के कपड़े चूज़ करें। गर्मियों में खासकर जो ब्लैक टाइप कपड़े होते हैं या बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो ना पहने। और दूसरी चीज़ ये कि जब गर्मियों में आप कपड़े पहनते हैं तो थोड़ा सा लूज़ कपड़े पहने, मतलब कि जैसे कि इतना ज़्यादा टाइट, इतना ज़्यादा बॉडी फिटिंग के कपड़े नहीं होने चाहिए कि आपको उसमें इरिटेशन होने लगे। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इतना ज़्यादा टाइट कपड़े वैसे भी नहीं पसंद है, और गर्मियों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे गर्मियों में जब आप कपड़े चूज़ कर रहे हैं तो आपके जो कपड़े हैं वो कॉटन के होने चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंथेटिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी में अगर आप चाहें तो हल्का सा नेक पीस पहन सकते हैं, बहुत छोटा सा। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी जब आ जाती है तो मुझे नेक पे थोड़ा सा इचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, तो नेक पीस है वो आप बहुत हल्का पहने, या फिर लेयर्स में आजकल जो ज्वेलरीज आ रही हैं वो भी आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें साथ ही साथ तो कानों में आप अपने स्टेटमेंट ज्वेलरी पहन सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका लुक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा और आपको इतना ज़्यादा मिसिंग भी नहीं लगेगा कि हाँ आपने कुछ नहीं पहना है। तो इस तरीके से आप अपना जो लुक है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बात करेंगे फुटवेयर की। तो फुटवेयर में ऐसा है कि जैसे आप जो भी स्लीपर्स कुछ पहन रहे हैं, तो वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं पंजाबी जूतीज़ जो मोजरीज होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये मोजरीज़ की जो खास बात होती है ये उतना ज़्यादा मतलब इसमें स्वेटिंग भी नहीं होती है और उतना ज़्यादा ये बंद बंद भी नहीं रहती है, तो मुझे तो ये कब बहुत कंफर्टेबल लगती है। तो आप मोजरीज पहन सकते हैं, या तो फिर अगर आप स्लीपर्स पहन रहे हैं तो थोड़ा सा जो ओपन होते हैं
आप वो पहन सकते हैं। ओपन स्लीपर्स ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, मतलब जो पैक पैक से होती हैं उनसे ज़्यादा। अगर हम बात करें अपने बालों की, तो आप बालों में इस तरीके से आप पोनी बना सकते हैं, आप हाइडल पोनी भी बना सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा हल्के से बाल आप अपने आगे कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप चाहें तो बन भी बना सकते हैं, हेयर बन भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, साथ ही साथ आपको गर्मियों से भी बचाते हैं। गर्मियों में मुझे तो बिल्कुल एक भी बाल मेरा इधर उधर निकलना नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसलिए इस तरीके से आप कर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी किसी भी तरीके की वीडियो आप लोग चाहते हैं, अगर चैनल के लिए कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा बिना झिझक। मिलती हूँ ऐसे ही किसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय।